लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या भैया, नोट गिनने का प्रोग्राम चल रहा है? कितने जमा हो गए? कुछ नहीं, दिन रात मेहनत करने के बाद पेट काट काट कर पैसा जमा करने के बावजूद सिर्फ 900 रुपए जमा कर पाया। समझ में नहीं आता यार मेरा क्या होगा। भैया ये बंबई शहर है, इसमें इतनी जल्दी हिम्मत हारोगे तो कुछ नहीं होने वाला। हिम्मत ना हारू तो क्या करूं? दिन का 50 और 100 रुपया कमाने वाला आदमी साहब जी का लाखों रुपए का कर्जा कैसे उतार सकता है? जहाँ नीयत अच्छी होती है ना, वहां सब कुछ हो सकता। नहीं यार एयरपोर्ट, पैसा कमाने के लिए आदमी को चालाक, चतुर और पढ़ा लिखा होना चाहिए, और मैं ठहरा अनपढ़, गवार और मूर्ख। मैं क्या कर सकता हूँ यार? सब ठीक हो जाएगा भैया, वह ऊपर बैठा है ना, सब ठीक कर देगा वो। भगवान इस लायक बना दे मुझे कि मैं अपने साहब जी के पुराने दिन वापस ला सकूं। 6501 टेक वन एक्शन। हाँ हाँ, मैं एक मुजरिम हूं और जुर्म के इस काले काटे। I'm sorry यार, मेगा फिद्रा। टेक वन एक्शन। हाँ हाँ, मैं एक मुजरिम हूं और काटे। सॉरी यार। टेक नाइन एक्शन। हाँ हाँ, मैं एक मुजरिम हूं और ये किसके कैसे हैं? हटा यार, शूटिंग हो रही है। हाँ हाँ, मैं एक मुजरिम हूं। यार ये लाइट ऑफ करो, पूरी कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो रही है। चेंज दिस लाइट, मेक अप इन इट्स कॉन्सेंट्रेशन। अरे बाल सवारना छोड़, एक्टिंग का रैक्टिंग। टेकिंग 38 एक्शन। हाँ साइलेंस, ये बुमबेरे मुंबे डालो, ऊपर करो, शूटिंग हो रही है, मजाक हो रहा है। Who the hell is laughing? Who's that? कह रहे तू हंसा? तू हंसा? Sorry sir. What the hell sorry? क्या है साहब, अभी आप इतने अच्छी तरीके से उनको समझा रहे हैं, हम लोगों की समझ में आ गया मगर उनको नहीं आ रहा है। तेरी समझ में आया क्या? तेरी समझ में आया? हाँ। तू ये सब डायलॉग बोलेगा? हाँ, मेरे को याद है ना डायलॉग। इतना लंबा डायलॉग उतर जाके बोलेगा तू कैमरे के सामने? बुरा मान जाएंगे। तू डायलॉग बोलेगा? नहीं सब, बुरा मान जाएंगे वो। तू डायलॉग बोलेगा? ठीक है साहब, आप बोलते तो बोल के बताता हूँ। जल्द देखता हूँ तुझे। हाँ, मुझे हूँ जुर्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कहते हैं। इंसानियत के नाम पे बदनुमा धब्बा हूँ मैं। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मुझे बहुत बड़ा गलत इंसान समझती हो, मगर मेरा यह विश्वास है कि दुनिया का कोई इंसान बुरा आदमी नहीं होता, कोई आदमी अपनी माँ के पेट में बुरा भला नहीं होता। कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता, कोई डाकू अपनी खुशी से डाकू नहीं डालता, कोई तवायफ अपनी खुशी से बच्चे से नहीं बचती। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं, और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि भूख और गरीबी से मरे हुए इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता। तब से मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखी है, एक ही सबक पाया है कि दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। ब्रावो ब्रावो। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहूं जिंदगी में दो बार खुश हुआ हूं, एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज जब मेरे दोस्त को कामयाबी मिली है। एक बात समझ में नहीं आ रही है धनराज, तुम कुमार साहब की कोठी खरीदना चाहते हो और मैं अपने रुपए वसूल करने के लिए उसे बेचना चाहता हूं। बराबर। तो फिर तुम मुझे रुपए देकर कोठी सीधी अपने नाम क्यों नहीं करा लेते? यह नीलामी क्यों? तुम्हें समझदार नहीं, जब घर की नीलामी होती है ना तो घर वालों की इज्जत की चिंदी चिंदी हो जाती है। हमारे गुजराती में कहावत है कि दुश्मनी करो तो दुश्मन को रास्ते का भिखारी बना दो, ताकि वो हाथ फैलाए, हाथ उठा ना सके। सभी सुना तुम लोगों ने, हमारे घर की नीलामी हो रही है। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है भाभी, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। तुम लोग अपने स्वर को नीलाम हो जाने दोगे? पिकी, पिकी एक घर
सिर्फ चूना रेत और ईंटों से ही नहीं बना, बल्कि इसमें तुम्हारे बड़े भैया का खून और पसीना भी मिला हुआ है। और फिर इस घर से चले जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? अब तो सबको अपना अपना इंतजाम खुद करना होगा भाभी। नैना और मैंने तो अपने लिए एक मकान देख लिया है, हम लोग तो वहां चले जाएंगे। और मेरा क्या है भाभी, मैं तो इस घर में मेहमान की तरह हूँ। आप लोगों के साथ नहीं तो भैया भाभी के साथ रह लूंगा। मगर आप लोग फिक्र मत कीजिए भाभी, जूती आप और बड़े भैया के लिए मैं कमरा ढूंढ दूंगा। हाँ, किराया मुझे देना होगा, सुबह में दे दूंगा। किराए तो की? अरे लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं, हमारा घर नीलाम हो रहा है और तुम लोग को रत्ती पर भी शर्म नहीं? अरे इतने बड़े इंसान के भाई होकर तुम लोग इतने छोटे कैसे हो गए? भाभी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ये घर नीलाम मत होने दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। ये बात सुनो, ये हमारा घर है, कुछ करो, ये घर नीलाम मत होने दो। साहिबान, ये नीलामी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस शानदार हवेली की सबसे पहली बोली चौधरी साहब की है। 50 लाख, 51 लाख, 55 लाख, 55 लाख। बोलिए साहिबान, बोलिए। 55 लाख, 55 लाख, 56 लाख, 57 लाख, आगे बोलिए, 57 लाख, 57 लाख, 60 लाख, 60 लाख। हाँ तो साहिबान, 60 लाख, 60 लाख, 1, 60 लाख, 2, 60 लाख, 3। सच्चाई है, ये मेरा घर है, मेरे पति का घर है, ये हमारे प्यार का मंदिर है, ये हमारे खुशियों का स्वर्ग है। इस घर पर मैं किसी को कब्जा नहीं करने दूंगी, इस घर को मैं नीलाम नहीं होने दूंगी, नीलाम नहीं होने दूंगी। जानकी, 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 जानकी दरवाजा खोलो, जानकी, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो, जानकी, 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 अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो मुझे कौन सहारा देगा? हाँ, मैं जानता हूं बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया है तुम पर, नीलामी की बोलियां तुम्हारे कानों में गूंज रही हैं, मैं जानता हूं। देखो जानकी, 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 नहीं जानकी, नहीं, ऐसा कसम नहीं करना, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है मेरा, अगर तुम चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। नहीं जानकी, 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 नहीं भाभी मां, नहीं भाभी मां, तुम हमको छोड़कर नहीं जा सकती। भाभी मां, क्या हम तुमसे इतनी दूर इसलिए गए थे कि तुम हमसे हमेशा के लिए दूर चली जाओ? क्या हम शहर जाकर दिन रात किस लिए काम करते रहे
कि जब हम तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम हमसे बात भी ना करो। ये देखो भाभी माँ, ये देखो ये कितनी ढेर सारी साड़ियां लेकर आया हम तुम्हारे लिए। ये देखो, ये गुलाबी, ये काली, ये लाल, ये देखो मगर हम कोई भी सफेद रंग की साड़ी लेकर नहीं आए भाभी माँ। हम कोई भी सफेद रंग की साड़ी लेकर नहीं आए भाभी माँ। कैडेट कृष्णा, कृष्णा ए बच्चे डोंट वीप कृष्णा। हे, यू हैव डन अ गुड जॉब बेटा। गुड जॉब। हे कृष्णा, एक बात बताऊं, अब तुम स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड आई ब्लडी विल मीन इट। हे डॉली, कम हियर भाई, एक फोटोग्राफ ले लो, ये कल के फिनोमेना है। ये पोज। बम्बई हमको जम गई, देख गई बम्बई का नजारा, दिल की धड़कन थम गई। बम 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 बम्बई हमको जम गई, बम बम बम। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री पे अगर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि अलग अलग दौर में अलग अलग एक्टर टॉप के हीरो रहे हैं। सबसे पहला दौर था दिलीप साहब का, उसके बाद आए राजेंद्र, धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, और आज बच्चे बच्चे की जबान पे जो नाम है वो है कृष्णा। नमस्ते कृष्णा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि आपने बहुत ही कम समय में शोहरत की बुलंदियों को छू लिया है, ये कामयाबी पाने के बाद आपको कैसा लगा? सच पूछिए तो तबस्सुम जी, मुझे सब कुछ चमत्कार सा लगता है। अच्छा कृष्णा जी, कहते हैं हर इंसान की कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है। आज आप शोहरत के आसमान पर एक जगमगाता हुआ सितारा बन के चमक रहे हैं। मैं जान सकती हूँ इसके पीछे किसका हाथ है? बहुत से लोगों का हाथ है, लेकिन सबसे बड़ा हाथ मेरे साहब जी का है। साहब जी? कृष्णा जी, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि मैं खुद भी बताना चाहूंगा तबस्सुम जी। साहब जी, ये वो नाम है जो मैं भगवान से पहले लेता हूं, क्योंकि भगवान भी बहुत कुछ देकर वापस ले लेता है, मगर मेरे साहब जी ने मुझे सिर्फ दिया ही दिया है। आज मैं उनसे दूर सही, मगर उन्हीं की दुआओं के बदौलत आज हजारों लाखों आदमी बैठकर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। हो सकता है मेरे साहब जी भी ये प्रोग्राम देख रहे हो। साहब जी, आप देख रहे हैं ना, मैं जानता हूं आप बहुत खुश रहे होंगे, मगर आप ये सोच रहे होंगे कि आपका कृष्णा अभी तक वापस क्यों नहीं आया। बस थोड़े दिन और किस्मत में जुदाई लिखी है। मैं भाभी माँ को दिया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा साहब जी, मैं जरूर लौट कर आऊंगा, मैं जरूर लौट कर आऊंगा साहब जी। मैं आ गया साहब जी। बड़ी मालकिन, इस घर में ताला क्यों लगा? कौन हो भाई, कौन चाहिए? अरे माली, इस घर में ताला क्यों लगा हुआ है? साहब जी का है? कौन साहब जी? कुमार साहब। अच्छा अच्छा, तुम उनकी बातें कर रहे हो। बहुत भले आदमी थे बेचारे, लेकिन उनको बहुत वक्त हो गया यहाँ से गए हुए। गए हुए कहाँ? मालूम नहीं साहब, लेकिन इस कोठी की नीलामी के बाद किसी ने भी उनको यहाँ नहीं देखा। नीलामी? जी हाँ, अब इस कोठी के मालिक धनराज जी। धनराज? और उनके परिवार वाले, उनके भाई और बहन? अरे साहब, वो भाई नहीं थे, कसाई थे, कसाई। अब तो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, यही फैक्ट्री डाल रखी है नीलामी के रुपयों से। सारे पैसे हड़प कर गए दोनों भाई और कुमार साहब, और उनकी छोटी बहन को खाली हाथ घर से बाहर निकाल दिया। वो दोनों इस घर से इस तरह गए जैसे कोई दुनिया से चला जाता है साहब। मगर साहब जी, मान क्यों गए? क्यों सही उनकी बेमानी, चुपचाप चले क्यों गए? क्या करते साहब, उन्हें होश ही कहां था, पागल से हो गए थे बेचारे।
पत्नी के देहांत के बाद। कुमार साहब कहां चले गए कृष्णा? मैं किसी को नहीं पता, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। बहुत दिनों से एक बोझ था मेरे सीने पे, अब शायद हल्का हो जाए। मगर नागपाल साहब, ये सब आपकी जिंदगी में अचानक कैसे हो गया? आपकी बीवी मर गई, बेटी विधवा हो गई और मुझे कैंसर हो गया। क्या? पाप में डूबने वाला, दुख में तैरता कृष्णा। तुम्हारे साहब जी की फैक्ट्री में आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। धनराज के हाथों बिक के वो आग मैंने खुद लगाई थी कृष्णा, वो आग मैंने खुद लगाई थी। राज एयरपोर्ट, अब हमें जिंदगी की स्टेज पर एक नया पार्ट अदा करना है। साहब जी के हर एक दुश्मन से मिलना है, नए रूप में, नए नाम से। हाँ, हमें साहब जी और भाभी मां की आंखों से भरे हुए एक एक आंसू का हिसाब लेना है एयरपोर्ट, उन पर हुए जुल्म का जवाब देना है। और कसम है हमें, जब तक हम भाभी मां की मौत और साहब जी की बर्बादी का बदला नहीं ले लेते, हम और कुछ नहीं सोचेंगे। रवि भैया, रवि भैया, क्या हुआ विकी, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे जो खबर मैं लेकर आया हूँ, अगर वो आप सुनेंगे तो आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे। भैया, एक एक्सपोर्टर आया है जिसके पास करोड़ों के ऑर्डर्स हैं। एक आध ऑर्डर भी हमें मिल गया तो हमारी जिंदगी भी खुशियों से भर जाएगी, लाखों में खेलेंगे हम। अरे तू फिक्र मत कर विकी, ये ऑर्डर हमें जरूर मिलेगा। ऐसा सैंपल तैयार कराऊंगा कि मार्केट में किसी के पास नहीं होगा। वाह भैया, ये हुई ना बात। क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, पर 80 लाख रुपए का ऑर्डर है और आपकी फैक्ट्री है बहुत छोटी, आप इतना बड़ा ऑर्डर तैयार कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हम ऑर्डर वक्त पर पूरा कर लेंगे मिस्टर। मिस्टर एयरपोर्ट, हिंदी में हवाई अड्डा, आप लोग प्यार से मुझे अड्डा साहब कह सकते हैं। अड्डा साहब, आप हमें एक मौका तो दीजिए प्लीज। आई लाइक योर सिंसियरिटी। एक मिनट। हाँ सर, सर नैना गारमेंट्स के दोनों पार्ट में यहाँ पर आए हुए सर। क्या सर? देखने में बहुत ही अच्छे हैं, नेक शरीफ, और सर बहुत तरक्की करना चाहते हैं जी। बट सर, इन्होंने इतना बड़ा ऑर्डर कभी नहीं लिया है ना। हाँ जी जी, दुनिया में शरीफ और अच्छे आदमी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इन्हें ऑर्डर दे दो। मुबारक हो। अब आपका काम हो गया है। आप ऐसा कीजिए, बाहर मेहता साहब से 5 लाख रुपए उठा लीजिए, एडवांस ले लीजिए। अच्छा अच्छा, थैंक यू मिस्टर डॉक्टर, बाय। ओके, इस 5 लाख की वजह से ये लोग 50 लाख मार्केट से उठाएंगे और मैं यही चाहता हूँ। कृष्णा भैया, इनका प्रोग्राम तो फिट हो गया, अब धनराज की पारी है। धनराज सेठ, धनराज बोलो। चू बोलो। आपके पास एक कोठी है स्वर्ग नाम की, बराबर, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता। सोच लीजिए, मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं फिर भी तैयार नहीं। 50 में भी नहीं? अरे भैया, 55 में भी नहीं। 60 में? तुम्हें समझता क्या नहीं, मैंने बोल दिया ना आपको। 70 में? आप कौन सा बोल रहे हैं? 80। आखिर इस कोठी में ऐसा है क्या? मेरा मतलब है कि 90। ठहरिए, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपका दिल तोड़ूंगा नहीं, मगर एक बात पूछूंगा मैं, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं मजाक नहीं करता। ठीक है, आप मेरे घर पर रुपया लेकर आ जाइए, मैं सब कागजात तैयार करवाता हूँ। ओके, कागजात मैं तैयार करवा चुका हूँ। वेरी गुड, आपको सिर्फ दस्तखत करना है। मेरा आदमी 90 लाख लेकर बाहर खड़ा है। ओके।
काम करिए, रखना मत, मैं भी आता हूँ, रखना मत। गुड मॉर्निंग, ये रहे आपके कागजात और ये रहे आपके 90 लाख। अजय भाई साहब, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं 90 लाख पर आकर ही मान जाऊंगा? मुझे आदमी की औकात का अंदाजा है धनराज, मैं जानता हूं कौन कहां आकर टूट सकता है। ये लीजिए, हमारे गुजराती में एक कहावत है कि जो आदमी की बात समझ में ना आए उसके साथ कभी सौदा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे आपकी बात समझ में आती है, इसके लिए मैं आपके साथ सौदा करूंगा, क्योंकि इसमें मेरा फायदा है। ये लीजिए, एक बात मुझे बताइए, आपके भाई साहब जमीन के भाव को आसमान तक पहुंचाना चाहते हैं क्या? जी नहीं, उनका प्रोग्राम थोड़ा उल्टा है, वो आसमान पे बैठे हुए कुछ लोगों को जमीन पे लाना चाहते हैं। गुड डे एंड एंजॉय योर सेल्फ प्लीज। जीरो कड़ने उधार कले, अजीरो कड़ने उधार कले, चरण चरण मन चक डोल चले, चरण चरण अजीरो कड़ने उधार कले। आओ हेलो बेटी, बेटी आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या फैक्ट्री में आग लग गई? क्या, अरे कौन बोलते हो तुम? मैं वॉचमैन बोल रहा हूँ। अच्छा, वॉचमैन, कारीगर फैक्ट्री में आग लगी गई है, कारीगर। धनराज। कृष्णा तू? हाँ मैं तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखने के लिए आया हूं। याद है धनराज, ठीक ऐसा ही नजारा हमने पहले भी कभी देखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त तुम खुश थे और आज मैं खुश हूं। मैं समझ गया, मैं समझ गया, सब तूने ही करवाया, ये सब तूने ही करवाया, मैं समझ गया। ये कहो धनराज कि भगवान ने तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा दी है तुम्हें। तुम्हारा बुरा वक्त आ गया है धनराज, यहाँ तुम्हारे मिल में आग लग गई है और वहाँ 90 लाख पाने के चक्कर में तुमने स्वर्ग भी बेच दिया। मैं समझा नहीं। जरा सोचो कि अगर वो 90 लाख भी तुम्हारे पास ना रहे तो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। सिर्फ तुम्हारी गुजराती में ही नहीं, दुनिया की हर जबान में कहावत है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। नहीं। अरे नमस्ते, आइए आइए। कहिए क्या पिएंगे? पिएंगे पिएंगे कुछ नहीं, हम तो आपको याद दिलाने आए हैं कि कल 13 तारीख। याद है? बेफिक्र रहिए तुलानी जी, कल आप सब लोगों को अपना अपना पैसा ब्याज के साथ मिल जाए। माल तैयार है, बस हम लोग डिलीवरी देने जा रहे हैं। आपके माल की डिलीवरी हो जाए तो हमारा पैसा ही मिल जरूर जाए। नमस्कार, नमस्कार अड्डा साहब। अड्डा साहब? अरे भैया मैं कोई अड्डा वड्डा साहब नहीं हूँ, मैं चड्डा साहब हूँ। चड्डा साहब? हाँ बोलिए। चड्डा साहब, वो आपका माल हमने तैयार कर। जी हाँ। माल? कैसा माल, कौन सा माल, कहाँ का माल, आप लोग कौन है यार? शायद आपने हमें पहचाना नहीं। साहब आपने हमें 5 लाख रुपए एडवांस दिया है और हमने आपका 80 लाख का माल तैयार कर दिया है। आप भूल रहे हैं। मैं भूल रहा हूँ? जी हाँ। तो भैया ऐसा करो, अब आप लोग भी भूल जाओ। भूल जाओ? ये क्या कह रहे हैं अड्डा साहब? चड्डा साहब, चड्डा साहब ऐसा मजाक मत कीजिए, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, हमारे दिल की धड़कने बंद हो जाएंगी। अरे आपके दिल की धड़कन रुक जाएगी तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार? ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मत कीजिए, हम सेठ जी से मिलना चाहते हैं। हाँ, आप राइट जाके लेफ्ट मुड़ जाइए। थैंक यू। नमस्ते सेठ जी, एसी रूम में बैठे हैं। सेठ जी
ये क्या, आपका मैनेजर कह रहा आप हमारे माल की डिलीवरी नहीं लेना चाहते? ऐसा गजब मत कीजिए सेठ जी, हमारा माल, हमारा घर बार सब नीलाम हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे सेठ जी। यही तो मैं चाहता हूं। कृष्णा? हाँ भाई, आप लोगों का दो कौड़ी का नौकर कृष्णा, वही कृष्णा जिसे कुत्ता कहकर उसके मुंह पर चाटा मारा गया था, वही कृष्णा जिस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। ओ, तो इस बात का बदला ले रहे हो तुम? मेरे साथ किए गए सुलूक को तो कब का भूल चुका हूं मैं, मगर अपनी बड़ी मालकिन की आंखों से बहे हुए आंसुओं को कैसे भूलूं? मेरे साहब जी के सीने पर तुम लोगों ने जो जख्म दिए उन्हें कैसे भूलूं मैं? याद है पूरे वक्त में तुम लोगों का गिरगिट की तरह रंग बदलना, याद है गारंटी पेपर पर दस्तखत करने से इनकार करना, याद है कर्जदारों को दरवाजे पे से कार को ले जाना, याद है साहब जी को जबरदस्ती सिगार छोड़ने पर मजबूर करना। अरे विक्की बाबू, हाँ आप लोगों को कुछ याद नहीं मगर कृष्णा को सब याद है। जाओ, नहीं उठाता मैं तुम लोगों के माल की डिलीवरी, जाओ जाकर किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाओ, जाओ खटखटाओ किसी अदालत का दरवाजा, जाओ। अब पता चलेगा जब कर्जदार तुम लोगों के दरवाजे पर आकर तकाजा करेंगे, अब पता चलेगा जब तुम लोगों के घर की नीलामी होगी, अब पता चलेगा जब तुम लोगों की मिल में ताला लगेगा। हाँ, अब पता चलेगा। अब यहां खड़े क्यों, जाओ जाओ निकलो ऐसे, जाओ। इससे पहले कि मेरे दरबार आकर तुम्हें यहां से धक्के मार कर निकाल ले, निकल जाओ यहां से, मैं कहता हूं निकल जाओ। माफ करना साहब जी, माफ करना। अरे क्या बात, आज खुशी के मौके पे ये उदासी का प्रोग्राम? अरे भाई अब तो तुमने अपने सारे दुश्मनों से बदला भी ले लिया, तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग भी मिल गया, फिर भी ये एयरपोर्ट। जब तक स्वर्ग में देवता नहीं होता, स्वर्ग स्वर्ग नहीं होता है। कल मैं उस मंदिर में जाऊंगा जहां साहब जी ने पहली बार इस सनात के सर पर हाथ रखा था। मुझे पूरा विश्वास है एयरपोर्ट वहां मेरी प्रार्थना जरूर पूरी होगी। खाली पेट दवा भी क्या असर करेगी, भूख लगी है ना? दो दिन से तेरे पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं गया और कहती है भूख नहीं लगी। मैं भी आता हूं। हे भगवान, मैं साहब जी को ढूंढ ढूंढ के थक गया, पता नहीं वो कहां होंगे, किस हाल में होंगे। तूने मुझे सब कुछ दिया है भगवान, मगर साहब जी के बिना सब अधूरा है। उनसे मिला दे भगवान, उनसे मिला दे मुझे। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। भाई साहब आप भी बैठ जाइए, कृष्णा जी आज खुद अपने हाथों से प्रसाद बांटेंगे।
साहब जी। क्या हाल हो गया साहब जी? क्या हो गया तेरे तेरे जाने के बाद? किस्मत ही रूठ गई रे कृष्णा, सब कुछ छीन गया, यहां तक कि तेरी बड़ी मालकिन भी मुझे छोड़कर चली गई। हाँ हाँ, पता लगा साहब जी। तुझे कितने अरसे के बाद देख रहा हूं रे तुझे। छोटी मालकिन कैसी है? तुम लोग एक दूसरे को देखते ही रहोगे या घर में भी चलोगे? चलिए साहब जी। हे कृष्णा, चल। स्वर्ग आपके बिना वीरान पड़ा है साहब जी। इन्हें मैं यहां लाया हूं साहब जी। तुम लाए हो साहब जी? इनको इनके किए की जितनी सजा मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा मिल चुकी है। अब ये लोग दुखी हैं, बेघर हैं, बेसहारा हैं। इन्हें माफ कर दीजिए साहब जी। माफ कर दूं इन्हें? अरे ये तो मेरी पत्नी के कातिल है और तुम चाहते हो कि मैं इन्हें माफ कर दूं? ऐसा मत कहिए बड़े भैया, गलती तो छोटों से हो ही जाती है, मगर क्या बड़ों का ये फर्ज नहीं कि वो उस गलती को भूल जाए? अरे पगली, तेरे चेहरे पर मारा हुआ चाटा तू भूल सकती है लेकिन मैं नहीं भूल सकता। जो जख्म इन लोगों ने मुझे दिया है वो इस जन्म में तो क्या, मैं अगले जन्म में भी नहीं भूल सकता। इतने कठोर मत बनिए बड़े भैया, इनके इस बुरे वक्त में अगर आपने भी इनका साथ नहीं दिया तो फिर और कौन देगा? और फिर भूल गए भाभी क्या कहती थी, जो माफ करना नहीं जानता उसे भगवान भी माफ नहीं करता। ज्योति, इन्हें माफ ना करने के बदले में अगर भगवान मुझे नरक में भी जगह दे देना तो मुझे इस बात का अफसोस नहीं होगा, मगर मैं
मगर मैं इन्हें दोबारा स्वर्ग में जगह नहीं दूंगा। आज अगर आज मैंने इन्हें माफ कर दिया तो वो बड़े भाई जो बाप की तरह छोटे भाइयों को पालते हैं वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बात सीधी सी है रे ज्योति, अगर आज इन्होंने अपना बुरा वक्त सुधारने के लिए अपनी आंखों में आंसू भी भर लिए तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल जब वक्त बदलेगा इनके रंग नहीं बदलेंगे? इस बात की गारंटी है? नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। कृष्णा, इन लोगों को मेरी नजरों से दूर कर दो, मुझे घुटन हो रही है। एक दिन इन्हीं बच्चों को सीने से लगाकर तूने मुझे वचन दिया था कि कभी इनकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा, और आज यही बच्चे तेरी आंखों के सामने हैं तो तुझे घुटन हो रही है। भूल गया अपना वादा, तोड़ दिया अपना वचन? डॉक्टर को लेके आता हूं। नहीं कृष्णा, मैं जीना नहीं चाहता रे, मेरी हर खोई चीज तुझे लौटा दी। मेरे भाई, मेरी दौलत, मेरी इज्जत, मान मर्यादा, ये स्वर्ग, इतने एहसान किए तुमने मुझ पर, एक ऐसा और करते हैं। बोलो साहब जी, हुक्म करो। छुट्टी का हाथ ये पगली दिली दिल में बहुत प्यार करती है तुझसे। इसका हाथ बुला रही है मुझे। सत्य, ये क्या किया आपने? ये क्योंकि आपने, आपकी जिंदगी आपके मुट्ठी में थी और आपने मुट्ठी नहीं खोली साहब जी।